तेरी मर्जी के बगैर एक जगह भी नहीं तो खालिक भी है, खालिक भी है, गफूर भी है, रहीम भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है, कहार भी है। अल्लाह जो कुछ कहा गया है उसे कबूल करना और मोहम्मद उमर साहब ने जो खानवा यशन किया कि बोलो ये उस दुनिया से पूछ करके आलमे रोया में पहुंच गए, वो शहरे खामोशा की जीनत बनी हुई है, उनके नाम पर्सन पर्सन बयान करना मेरे लिए जो यकीन लाने के मुतराफिक है। इसलिए जो इन्होंने कहा तो आलमगुल गाय के शहादा है उसे भी कबूल करना और कबूलियत के बाद ताहा और यासीन मुजम्मी और मुदस्सिर मेरे आका सबके आका रूही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह में कसपनाह में पहुंचा दी। आका की बारगाह से होता हुआ मुर्सलीन सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन और तमाम सलासीन के अकाबरीन असादरीन से होता हुआ कुतुबतुल कुबरा गौसुल आलम तारिक सल्तनत अमीर कबीर ख्वाजा मीर सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी अहमदुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा। आपकी बारगाह से इसका तमाम कुतुबतुल आफाक हाजरुल हरमैन सैयद शाह अब्दुल रज्जाक अल हसनी सन्नानी जिलानी की बारगाह में पहुंचा और आपकी बारगाह से होकर शहर खामोशा में कीमती जमीन बनने वाले तमाम सजादगार जो आसूदे खास है अल्लाह उनकी भी रूहानियत को इसका सवाब पहुंचा और उनसे होता हुआ जुमला मोमिन और ममना मुस्लिम और मुसलमान की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह आज मखदूम समना का 649वां वाले बनोस है, आज ही के दिन आपने इस दुनिया से दारे पानी को कूच किया था यानी दाहिए दिलों को लब्बैक कहा था। आज उर्स के मौके पर हम लोग मुख्तसर में दुआ कर रहे हैं अब दुआ मुख्तल इबादत अब दुआ हुवल इबादत। दुआ के लिए हम चाहे कोई इस वक्त मौजूद हो या न हो लेकिन मेरा यकीन है कि उसकी रूहानियत का मकबूल समना का पैगाम पहुँचेगा। अल्लाह जो लोग नहीं आ सके या परेशान हाल है माशी बहरान से दो चार है या इस बीमारी से मुतासिर है या इसके खौफ से दूर है अल्लाह तो उनकी भी रूहानी उनको भी इसमें इस मैं समझता हूँ कि मकबूल साहब के कुल में शामिल है। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो बेकार है उन्हें बाकार बना दे, जो माशी बुरान से दोचार है अल्लाह उनके रिस्क में रसम कसा फरमा दे और जो कोरोना या दीगर दूसरी मर्दों में मुबतला हो अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा दे और खुसूसियत के साथ जिनके बच्चे इल्म से आए हैं अल्लाह और मार्फत की तालीम अता फरमा। अल्लाह वो तो जो नहीं आ सके हैं लेकिन उनका ध्यान जो है मखदूम साहब के उसकी तरफ लगा हुआ है अल्लाह उनको भी दुआ में शामिल फरमा और मखदूमी मैदान उन तक पहुँचा। मेरा यकीन है कि मखदूम सन्ना का पैगाम जो यही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की निजता है कोई भी हो कहीं भी हो जहाँ भी हो मखदूमी पैगाम उसके साथ है। कोई जरूरी नहीं कि आप आए या नहीं आए इसका सवाल यहाँ मखदूम सन्ना पर नहीं है इनका पैगाम पहुँचता रहता है। जब लोग इंग्लैंड और कहाँ कहाँ मखदूम साहब को याद करते हैं उनका पैगाम वहाँ तक पहुँचता
और ये मेरा मुशाहिदा है, मैंने कई बार भी देखा ऐसा, मैं इंग्लैंड में भी था तो मैंने देखा मखदूम साहब को उन्होंने याद किया, उनका फैजान हुआ। नमाशत में था वहाँ भी मखदूम साहब को लोगों ने याद किया, उनका फैजान वहाँ भी पहुँचा। आईलैंड में भी था वहाँ भी मैंने मखदूम सन्ना को याद किया, उनका फैजान वहाँ भी पहुँचा। ये फैजान मखदूम सन्ना है, इसकी कोई कैद नहीं। जिस घर में मखदूम सन्ना का नाम लग जाता है वहाँ का शैतान दूर भागता है। ये कहते हुए भागो, यहाँ मखदूम सन्ना का नाम नसब हो गया है या नियुक्त किया गया है। इसलिए हजरात आप ये समझे कि आप हमारे आप जो है उसमें मौजूद है और उसका तमाम फैजान आपके साथ है। कहीं भी हो, जहाँ भी हो, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पर मखदूम में सन्ना का फैजान जारी है। वैसे की सब में खड़े हो गए महबूब अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये रूहानियत का मरकज है, यहाँ नुमाई नहीं है, यहाँ दिखावा नहीं है, बल्कि मखदूम में सन्ना जिसने तख्त ताज को ठुकरा दिया, पतिगी अख्तियार कर ली और बस यही ही लगा चाहिए। उसी को कर बलत इतना कि हर तकलीफ से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेजी लगा क्या है। ऐ अल्लाह आज मखदूम में सन्ना के उसमें जो भी आए हैं, जहाँ भी हो, किनारे हो या दूर हो, वो अगर मेरी आवाज पहुँच रही है तो मुझे उम्मीद है कि नहीं भी पहुँच रही है तो मखदूम की पहचान तक पहुँच रहा है। मखदूम सन्नानी ने अब्दुल रज्जाक से वादा भी किया था, ऐ अब्दुल रज्जाक जहाँ भी रहे मैं ना भी रहूँगा, लेकिन पर मेरा पहचान जारी और सारी रहेगा। हम आपके 34 साल पहले आज ही के दिन आपका विसाल हुआ था। आज हम 634वां पुल जो है 28 का पहले कर रहे हैं। आपकी जो है रूहानियत शामिल हो, तमाम मुरीदीन मुस्लिमीन मुतवस्सिलीन हाजिरीन जायरीन सब के लिए आपकी दुआ की जरूरत है। मेरा यकीन कामिल है, मैंने खुद बहुत से लोगों से कहा कि बस मखदूम साहब की दुआ लीजिए, उनका फैजान लीजिए, इंशाअल्लाह ताला जरूर मखदूम करम होगा। जो रोता हुआ आया है हंसता हुआ जाएगा, जो खाली होगा वो दामन भर जाएगा। ये आपका फैजान है, मेरा यकीन कामिल है। आज आपके फैजान में इजाफा हो गया, पहले लाखों की तादाद या करोड़ों की तादाद में आपके मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उसमें आपका फैजान चाहिए। और उन्हें यकीन कामिल है कि आपका आरूस के मौके पर आपने अगर अपनी चश्मे नाई फरमा दी तो इंशाअल्लाह ताला तमाम मंगताओं का तमाम मांगने वालों का प्यारा पार हो जाएगा। मुख्तसर में मैंने दुआ किया है, फिर इंशाअल्लाह ताला शाम को जब आपका लिबास पहना जाएगा जिसको आप जिंतन करते थे, फिर उस वक्त दुआ होगी। मुझे यकीन है कि तमाम आने वालों की मुरादें पूरी होंगी। ऐ शफे जमाना जमाने मददनुमा, दर हाने बस्तरा दर कलीते करम कुचा, अशरत नहम गंजा गंजा पसीना तारक, दुश्मन हमेशा पूर्वम बाजी ऋतु दोस्तार। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.